नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे सामने टेली सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के परचेज वाउचर है जो ओपन होते हैं। पहला, जब हम वाउचर पर जाते हैं और परचेज वाउचर की हम विंडो ओपन करते हैं तो हमारे सामने डेट, उसके बाद में सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम देते हैं, उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में जैसे हम इंटरप्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है सीधा नेम ऑफ आइटम पे चला जाता है। और एक आपने कुछ इस तरीके से भी देखा होगा कि जब हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर देते हैं, पार्टी को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर परचेज लेजर पूछा जाता है। तो इन दोनों टाइप की विंडो की डिस्प्ले में क्या फ़र्क होता है और हमें किस टाइप की विंडो के अंदर किस टाइप की परचेज एंट्री करनी चाहिए, तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर टेली सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो कंपनी के अंदर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उन लोगों के लिए। वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो और भी लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, मैंने दो टेली कंपनी क्रिएट करी हुई है, सबसे पहले आपको दिखा देता हूं मैं। एक मैंने यहां पे ABC1 और सेकंड कंपनी मेरे पास यहां पर है ABC2। दोनों के अंदर मैंने सेम स्टॉक आइटम बनाई है, दोनों में सेम मैंने लेज़र क्रिएट की हुई, लेकिन हमें फ़र्क देखना है कि दोनों टाइप के परचेज वाउचर के डिस्प्ले में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम ABC1 यानी कि जो फर्स्ट हमारी कंपनी है उसके अंदर हम एंट्री करते हैं, जहाँ पर हमारे को कुछ इस टाइप की परचेज लेजर का परचेज वाउचर का डिस्प्ले होता है। सबसे पहले हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालेंगे, पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे XYZ ट्रेडर्स का, और उसके बाद में परचेज लेजर। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पांच टाइप के परचेज है, टैक्स फ्री भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है और 28% भी है, तो ये हमारी मल्टी परचेज हो सकती है। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12% परचेज सेलेक्ट कर दिया या कोई भी सिलेक्ट कर दिया, 18 कोई भी ये कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक सिंगल परचेज लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप 12% का आया और मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में मैं नेम ऑफ स्टॉक आइटम पर आ गया। अब मैंने स्टॉक आइटम के अंदर भी मैंने 5 स्टॉक आइटम बनाई हुई है। सबसे पहला टैक्स फ्री आइटम 5% की, 12% की, 18% और 28% की। तो अब शुरुआत करते हैं टैक्स फ्री से। मान लीजिए मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर दिया टैक्स फ्री को, क्वांटिटी डाल दी मैंने 1, रेट इसका 100 रुपीज़, इंटरप्रेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो डिटेल है यहाँ पर भी मैंने कोई टैक्स है जो नहीं लगाया, यहाँ पे जो टैक्स टाइप है इसके अंदर मैंने एग्जम्प्ट रखा हुआ है, इंटरप्रेस करेंगे। उसके बाद में मैंने 5% की स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर ली, एक आइटम ले ली, 100 रुपीज़ ले लिया, क्योंकि हम 100 रुपीज़ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें इसको बाद में जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। उसके बाद में मैंने 12% की आइटम ले ली, इसका भी मैंने रेट 100 रुपीज़ रख दिया। उसके बाद में मैंने 18%, एक आइटम 100 रुपीज़, साथ के साथ यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जो टैक्सेबल रेट है वो सभी की आइटम के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे डाली हुई है। उसके बाद में 28% की आइटम, एक 100 रुपीज़। तो आप टोटल देख सकते हो 5 आइटम है, 100 रुपीज़ की एक आइटम है, तो टोटल 500 रुपये यहाँ पर बन चुके हैं। एंटरप्रेस करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे टैक्स, CGST टैक्स और SGST टैक्स, एंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो 31.50 रुपये और 31.50 रुपये टैक्स बन चुका है। ठीक है, हम इसकी टैक्स को एनालिसिस करके देख सकते हैं भी कौन से स्टॉक आइटम के ऊपर कितना परसेंट का टैक्स है जो लगा है। एल्ट ए प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हो भी जो हमारी 5% की आइटम थी 100 रुपये, इसके ऊपर 100 रुपये का 5% 5 रुपये बनेगा, 12% के आइटम पे 12 रुपये, 18 रुपये पे 18 रुपये और 28% वाले पे 28, और एक आइटम थी हमारी टैक्स फ्री की जिसके ऊपर कोई टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं लगा, तो यानी कि ये 63 रुपये हमारा टैक्स बन चुका है। इसका मतलब टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल हमारी ओके हुई है। चलो ठीक है, इसको हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारी ABC कंपनी 2 थी उसके ऊपर। अब मैंने ABC 2 ओपन कर दिया, इसके अंदर हम वाउचर पे चलते हैं, परचेज वाउचर पे हम चलेंगे। तारीख में आज की डेट डाल देता हूँ, वाउचर नंबर यहाँ पे हम डालते हैं, पार्टी नेम मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब सीधा मैं नेम ऑफ आइटम पे जंप हो गया,
अब सबसे पहले सेम उसी तरीके से हम जीएसटी फ्री की परचेज क्वांटिटी हम लेंगे एक, रेट लेंगे 100 रुपीज़। अब यहाँ पर परचेज लेजर पूछेगा, वहाँ पर तो स्टार्टिंग में पूछ लिए थे, लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर मेरे को यहाँ पर परचेज लेजर पूछेगा भी इस 5 लेजर में से आपको इस आइटम में कौन से परचेज के अंदर आपको डालना है। तो ये मेरी टैक्स फ्री की परचेज है, तो मैं इसको जीएसटी फ्री परचेज के अंदर यहाँ पर रखूँगा। उसके बाद मैं 5% आइटम लूँगा, 100 रुपीज़ रखूँगा, सेम रखेंगे हम बिल्कुल परचेज की क्वान्टिटी और इसकी अमाउंट है जो। तो यहाँ पर मैं मेरा 5% का लेजर है जो सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरी 5% वाली स्टॉक आइटम है। इसी तरीके से 12% एक पीस 100 रुपीज़, और ये इसको मैं 12% परचेज में रखूँगा। इसी तरीके से 18% 100 रुपीज़, 18% परचेज में रखूँगा, और 28% एक 100 रुपीज़, और इसको मैं रखूँगा 28% में। और उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे टैक्स, सीजीएसटी टैक्स और एसजी टैक्स। तो यहाँ पे आप टैक्स की कैलकुलेशन देख सकते हो, बिल्कुल सेम है जो हमारी एबीसी वन कंपनी के अंदर कैलकुलेट हुई थी। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो यानी कि हमारी 100 रुपये की टैक्स फ्री की परचेज है, 100 रुपये की हमारी 5% की परचेज है, 100 रुपये की हमारी 12% की है, 100 रुपये की 18% की, और 100 रुपये की 28% की हमारी परचेज है, और बाकी हमारा टैक्स है। यहाँ पर भी हम एक बार एल्ट ए से इसका टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो बिल्कुल 100 रुपये पे 5%, 12% पे 12 रुपये, 18% वाले पे 18 रुपये, और 28 रुपये वाले पे 100 रुपये पे 28%, बिल्कुल सेम है। इसको भी हम ओके करेंगे। तो अब हमारी जब टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, टैक्सेबल वैल्यू सेम है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा? अब डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वापस हम चलते हैं इस वाले फॉर्मेट पे, यानी कि एबीसी वन पे। तो आपकी परचेज की लेजर, अब आपको जो सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा ना, अब वो मिलेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, उस वक्त आपको परेशानी आएगी। क्या आएगी? फाइनल अकाउंट्स पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं। एल्ट एफ वन के साथ मैं डिटेल को ओपन करता हूँ। तो आप देखो, जैसे मैंने एल्ट एफ वन डिटेल को ओपन किया, तो आप यहाँ देख सकते हो इसने जीएसटी 12% की परचेज दिखा दी 500 रुपये की, ठीक है। और हम इसको चलते हैं यहाँ पर एबीसी टू पे, इसका हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स पे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करते हैं, और एल्ट एफ वन के साथ डिटेल ओपन करता हूँ। तो अब दोनों में देखोगे आप, परचेज आपकी यहाँ पर भी 500 रुपये की है, और परचेज आपकी यहाँ पर भी 500 रुपये की है। लेकिन इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग इस परचेज का वेरिफिकेशन हो रहा है भी आपकी 12% की परचेज कितनी है, 18 की कितनी है, 28 की कितनी है, 5 की कितनी है, और टैक्स फ्री की परचेज कितनी है। लेकिन एबीसी वन की अगर हम बात करें, तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, एल्ट एफ वन डिटेल हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ आपको दिखाएगा भी आपकी 500 रुपये की जो परचेज है वो केवल जीएसटी 12% की परचेज है। तो टेली सॉफ्टवेयर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी 500 रुपये की 12% की ही परचेज है टोटल, जबकि हमने 500 रुपये के एंटर प्रेस करेंगे तो सभी स्टॉक आइटम हमने 100 रुपीज़ की डाली थी। तो यानी कि ये सभी डिटेल हमारी 5 वाली 5% में शो होनी चाहिए थी, 12 वाली 12 के अंदर शो होनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन आपका कब काम करेगा? जब आपका, यानी कि जो भी आपकी स्टॉक आइटम रहेगी वो पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी की हो। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 आइटम है, और 10 आइटम आपके टोटल 5% वाली स्टॉक आइटम है, टैक्स उस पर 5% का है, तब हम यहाँ पे सिंगल 5% की परचेज को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में सारी डिटेल 5% की यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अगर आपके पास में कोई मल्टी जीएसटी की परचेज है, जैसा कि अभी हमने करी एंट्री, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर परचेज लेजर सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपकी रिपोर्ट्स है जो गलत होगी। टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी, लेकिन आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परेशान होगे, आप यहाँ पर इसका डिटेल नहीं जान पाओगे भी आपकी 5% की कितनी परचेज है, 12 की कितनी, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आप, केवल सिंगल आइटम आपको दिखा रहा है 12% की परचेज, और यहाँ पर आपकी पूरी एक्सप्लेन हो रही है 12%, 18, 28, 5 और टैक्स फ्री की कितनी कितनी आपकी परचेज है। तो अगर आप इस ऑप्शन को अंदर बंद करना चाहते हो, जैसे कि ये ऑप्शन है, अगर आपके पास मल्टी परचेज है, तो आप इस विंडो का उपयोग है जो बिल्कुल भी मत करना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसको आप बंद करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कॉन्फिगरेशन यानी कि F12 बटन प्रेस करना है। F12 बटन प्रेस करने के बाद में ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। तो इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। जैसे हम नो करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे यानी कि विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम, और उसके बाद में डायरेक्ट आपका जो कर्सर है सीधा नेम ऑफ स्टॉक आइटम पे जंप करेगा, और उसके बाद में
टैक्स फ्री की जो परचेज है यहाँ पर आप ऑटोमेटिक ये 12 उठा ली क्योंकि स्टार्टिंग मैंने 12% करी थी, तो हम इसको यहाँ से वापस जीएसटी फ्री परचेज करेंगे। उसके बाद में 5% वाली है तो इसको हम 5% में वापस ट्रांसफ़र करेंगे। 12 वाली है तो 12 वाली के अंदर आ ही चुकी ऑटोमेटिक। 18% वाली को वापस फिर हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसको 18% में रखना पड़ेगा। और 28% की अगर बात करें तो इसको भी 28% में रखना पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे और विंडो को ओके करेंगे। तो अब हम वापस हम चलते हैं, तो अब यहाँ देख सकते हो अब ABC1 के अंदर भी ये सभी टाइप की अलग अलग परचेज आपके सामने शो होनी स्टार्ट हो गई है, जैसा कि ABC2 के अंदर हो रही थी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, GST से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार हम देते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।